प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल शिलान्यास किया। इन कॉलेजों में हनुमानगढ़ का मेडिकल कॉलेज भी शामिल था। इसको लेकर जिला चिकित्सालय के फिजियोथेरेपी सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें श्रीगंगानगर से सांसद नियाल चंद मेघवाल, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, हनुमानगढ़ विधायक विनोद कुमार, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप सापिनी, जिला कलेक्टर नथमल डेडेल, SP प्रीति जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो हनुमानगढ़ जिले के सभी यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास देश के हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी के कर कमलों से आज शिलान्यास किया गया। और हनुमानगढ़ के साथ साथ 3 दूसरे मेडिकल कॉलेज भी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर खोले गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 16 मेडिकल कॉलेज अभी पिछले 3 सालों में जिनकी प्रक्रिया पूरी की गई है। राजस्थान देश का पहला राज्य है क्योंकि केंद्र सरकार ने 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की पिछले वर्षों में घोषणा की थी और राजस्थान उनमें सबसे पहले नंबर में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज सबसे पहले प्रारंभ हुए हैं। उसका एकमात्र कारण है कि राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी प्रक्रिया को बहुत जल्दी अपनाया। पूरी लैंड अलॉटमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी शेयर होता है, जो फाइनेंशली 60-40 का जो हिस्सा है, तो सब में तत्परता दिखाते हुए राजस्थान में इन कॉलेजेस के शिलान्यास का काम पूरा हुआ। 33 जिलों में से 30 जिलों में आज मेडिकल कॉलेज बनने की हमारी जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ गति से चल रही है।